हेलो एवरीबॉडी, दिस इज एमडी रजा सर। आई एम ए सोशल साइंस एजुकेटर और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हिस्ट्री यानी कि इतिहास के ऊपर, जो हमारा क्लास 10th का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होने वाला है। तो आइए इस पूरे चैप्टर के बारे में समझते हैं, अच्छे से समझते हैं, जानेंगे क्या है इस चैप्टर के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो हमारा है चैप्टर 1, ये है हिस्ट्री। और हिस्ट्री का चैप्टर 1 क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब इसका अर्थ हम लोग समझते हैं बच्चों कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय क्या है। आई मीन यूरोप की अगर बात करते हैं तो सारे लोग जानते हैं यूरोप एक महादेश है, और यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय होना, भाई ये उदय का मतलब क्या होता है? उदय का मतलब होता है स्टार्ट, यानी कि शुरू होना, उगना। कैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ, कैसे राष्ट्रवाद उगने लगा, इस चीज के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। और ये राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद का अर्थ होता है देश प्रेम। राष्ट्रवाद का अर्थ बोले तो देश प्रेम, यानी कि देश से प्रेम होना, देश से एक इंसान को देश से प्रेम हो जाना राष्ट्रवाद कहलाता है। चलिए अब इस चैप्टर के बारे में हम लोग देखते हैं और समझेंगे इस चैप्टर के अंदर हम लोग कौन कौन से टॉपिक को करने वाले हैं, कौन कौन सा टॉपिक को कवर अप करेंगे और उस चैप्टर के अंदर क्या क्या खास रहने वाला है, इस चीज को समझने वाले हैं। तो सबसे पहला है जो हमारा, वो है फ्रांसीसी क्रांति व राष्ट्र का विचार। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि फ्रांसीसी क्रांति चैप्टर 1 क्लास 9th की जो पुस्तक है हिस्ट्री, उसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन अर्थात फ्रांसीसी क्रांति। तो यहाँ पे जो फ्रांसीसी क्रांति थी उससे कैसे राष्ट्र का विचार उभरा था, इसके बारे में देखने वाले हैं। सेकेंड क्या देखने वाले हैं? यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे होता है, आखिर जो यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का निर्माण होता है वो कैसे स्टार्टेड हो जाता है, राष्ट्रवाद का निर्माण कहां से प्रारंभ होता है, कौन प्रारंभ करते हैं। जैसे लाइक इट की जो अंश रेनन होते हैं 1882 ईस्वी में सॉर्बन के विश्वविद्यालय में राष्ट्र की परिभाषा देते हैं एक लेक्चरार में। सॉर्बन एक जगह है, वहां के एक लेक्चरार में एक व्याख्यान कक्ष में जब वो व्याख्या कर रहे थे तो आखिर वो राष्ट्रवाद की परिभाषा को कैसे व्यक्तित्व के थ्रू समझाते हैं, इस चीज को इसके अंदर समझने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रांतियों का युग। जब यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का निर्माण हो रहा था उस समय बहुत सारी अलग अलग क्रांति हुई, जैसे कि कृषक विद्रोह हुआ था, उदारवादियों की क्रांति हुई थी, अलग अलग विद्रोह हुए थे, क्रांतियां हुई थी। तो वो है क्रांति का युग 1830 से लेकर के 1848 तक के बीच का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं जर्मनी और इटली का निर्माण। ये जो जर्मनी और इटली का निर्माण है इसमें क्या देखेंगे कि जर्मनी एकीकृत होता है। जैसा सपोज दैट आज जो हम लोग जर्मनी को देखते हैं, जिस टाइप से आज हमारा जर्मनी है उस टाइप से पहले के टाइम पे जर्मनी नहीं था। जर्मनी के कई अलग अलग टुकड़े अलग अलग भाग में बटे हुए थे, परंतु अभी के टाइम में हम क्या देखते हैं कि एक पूरा मैप होता है इस टाइप से, और वो जो होता है वो पूरा पूरा एक जर्मन का भाग्य होता है, पूरा पूरा जर्मन राष्ट्र है ये। लेकिन उस टाइम पे जो था जर्मन ऐसा एग्जैक्टली नहीं दिख पाता था जिस टाइप से आज हम लोग देखते हैं, रियल टाइम पे ऐसा वो नहीं दिखता था, वो अलग अलग भागों में बटा हुआ था। उसी टाइप से इटली भी था, तो जर्मनी और इटली का निर्माण देखेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्र की दृश्य कल्पना। जैसे अगर पूरे यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद फैल जाती है तो फिर वहां पे राष्ट्र की कल्पना कैसे की जाती है, और इस टॉपिक में वहां के निवासी राष्ट्र की कल्पना एक प्रतिमा के रूप में करते हैं, महिलाओं की प्रतिमा को राष्ट्र की प्रतिमा मानते हैं। लाइक दैट मॉरियन जर्मेनिया, इन सभी को वहां की राष्ट्र की प्रतिमा मानी जाती है। जैसे जर्मेनिया को जर्मन राष्ट्र की प्रतिमा, जर्मन राष्ट्र की दृश्य कल्पना मानी जाती है, मॉरियन को फ्रांस की राष्ट्र की कल्पना मानी जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। उसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं कि राष्ट्रवाद कैसे फैला था जिसके कारण से साम्राज्यवाद भी धीरे धीरे पूरा यहाँ पे फैल चुकी थी। तो इन सभी टॉपिक्स को हम करने वाले इस चैप्टर के अंदर कवर। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का विचार। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, ये यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस टाइप से है, आखिर वहां पे स्टार्टिंग कैसे हुआ यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो जब आप एनसीईआरटी की चैप्टर 1 खोलते हैं, क्लास 10th की जो पुस्तक है एनसीईआरटी उसकी चैप्टर 1 आप निकालते हैं, तो सबसे फर्स्ट पेज में आपको एक फिगर दिखाई देगा, और उस फिगर में क्या है तो आप वहां पे देखेंगे उस फिगर के अंतर्गत कि सबसे पहले वो जो फिगर है वो फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा बनाई गई है। दरअसल फ्रेडरिक सोरियो जो है वो एक फ्रांसीसी कलाकार है,
जो 1848 में, कब की बात कर रहे हैं, 1848 ईस्वी में चार चित्रों की श्रृंखला बनाता है, टोटल चार फिगर्स को बनाता है, चार फिगर्स को क्रिएट करता है। और जब चार फिगर्स को बनाता है, ड्रॉ करता है, जिसमें से एक फिगर को यहां पर चित्रित किया गया है, दिखाया गया बच्चों। और उस फिगर के अंतर्गत क्या है कि जब 1848 में फ्रेडरिक सरयू जो फ्रांसीसी कलाकार थे, उन्होंने चार चित्रों की श्रृंखला बनाई। और ये जो चित्र आप देखेंगे उस चैप्टर के अंदर, जो आपको चित्र दिखाई देगा फर्स्ट चैप्टर के अंदर, फर्स्ट पेज पे वो प्रिंट आउट है, उस पे जो आपको फिगर दिखेगा वो फिगर बच्चों दरअसल रियलिटी में एक यूटोपिया है। और हाँ, यूटोपिया क्या है, यूटोपिया क्या है, चलिए समझते हैं यूटोपिया को। यूटोपिया उसे कहते हैं जैसे लाइक दैट कि मैं सपना देख रहा हूं कि मैं ना आज चंद कुछ मिनटों में कोलकाता चला गया, मैं ये सपना देख रहा हूं कि मैं कल पीएम बना परसों सीएम बन गया। क्या ये पॉसिबल है रियल लाइफ में, ये पॉसिबल है कि मैं कल पीएम बन गया और परसों सीएम बन गया, इज दैट पॉसिबल? नहीं। क्या ये पॉसिबल है कि मैं बस चंद मिनटों में, 10 से 15 मिनट के अंदर यहां से मैं झारखंड से सीधे सीधे कोलकाता चला गया, भोपाल से मैं सीधे सीधे उड़ीसा चला गया, इज दैट पॉसिबल कि सिर्फ 10 से 15 मिनट में मैं चला जाऊं? नो, दैट्स लाइक यूटोपिया। यूटोपिया भी ऐसे ही इमेजिनेशन किया हुआ एक सपना है, और वो भी किसका, फ्रेडरिक सरयू का, जो वो देखते हैं, सोचते हैं, उसको ड्रॉ करते हैं, और वो राष्ट्रवाद के बारे में सोचते हैं और राष्ट्रवाद को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं भाई, तो जब हम उस फिगर का अध्ययन करते हैं तो उस फिगर में हमें एक महिला की प्रतिमा दिखाई देती है, और वो महिला की प्रतिमा क्या है, तो दरअसल उस महिला की प्रतिमा के एक हाथ में ज्ञानोदय का मशाल है और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का चार्टर पत्र, और चार्टर पत्र बोले तो घोषणा का पत्र जो मनुष्य के अधिकार के लिए है, और जो ज्ञानोदय का मशाल है उससे यह प्रतीत होता है कि इस प्रतिमा के पास ज्ञान का भंडार है, उसके पास ज्ञान की पूर्ति है। और उसी फिगर में हम लोग क्या देखते हैं कि जो ऊपर आसमान दिखाई देता है, आसमान में हम देखते हैं कि साधु संत और फरिश्ते उड़ रहे होते हैं, और जो नीचे की जो दृश्य है, जो भी नीचे की दृश्य हो रही है सबके ऊपर, वो ऊपर से नजरें जमाए हुए हैं। अब भाई नीचे का दृश्य क्या है, तो दरअसल नीचे की जब दृश्य की बात करते हैं तो नीचे के दृश्य में हमें यह दिखाई देता है कि नीचे जो महिला की प्रतिमा है उसको लोग स्वतंत्रता का प्रतीक मान रखे हैं, और जो महिला की प्रतिमा को जो देश पार कर दे वो देश स्वतंत्र माना जाता है। लाइक डेट क्या आपको देखने को मिलेगा इस चित्र के अंदर, यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और स्विट्जरलैंड, दो देशों ने इस प्रतिमा को पार कर रखा है, और बाकी के जो अदर देश हैं, सार्डिनिया, पिरमोंट, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, दो सिसिलियों की राजशाही, इस तरह के जो देश हैं वो देश अभी कतारबद्ध हैं, अभी उनकी संघर्ष जारी है, अभी वो संघर्षरत हैं, अभी उनकी लड़ाई जारी है, आंदोलन जारी है, वो भी प्रतिमा को पार करेंगे और वो भी राष्ट्र राज्य बन जाएंगे, आजाद देश बन जाएंगे, स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। इस फिगर के अंदर हम लोग इसी चीज को देखते हैं, और वहां पे मूर्ति के नीचे हम लोग कुछ अवशेष बिखरे हुए पड़े देखते हैं, जो कि वहां के पेपर्स हुआ करते हैं, जमीन वगैरह के पेपर्स हुआ करते हैं। तो ये है एक कहानी, छोटी सी कहानी, जो फ्रेडरिक सरयू के द्वारा थिंकिंग किया गया था, यूटोपिया था। और इस यूटोपिया में क्या दिखाया गया है, तो प्यारे बच्चों इस यूटोपिया के अंदर निरंकुशवाद को दिखाया गया है। अब ये निरंकुशवाद क्या होता है, तो ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिस पर किसी का कोई भी अंकुश नहीं होगा, उसे निरंकुशवाद कहते हैं। जैसे कि आप लोग पॉलिटी में पढ़े होंगे, राजनीतिक विज्ञान में आप लोग इस चीज को देखे होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं एकात्मक सरकार, एकात्मक शासन व्यवस्था। बस उसी को हिस्ट्री के अंदर हम लोग निरंकुशवाद डिफाइन करते हैं कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसके ऊपर किसी का कोई अंकुश ही नहीं होगा, उसे ही तो निरंकुशवाद कहा जाता है। तो यहां तक आप सभी को क्लियर होगा, और अब हम लोग चलने वाले हैं फ्रांसीसी क्रांति व राष्ट्र का विचार के बारे में। तो ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, फ्रांसीसी क्रांति, सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रांसीसी क्रांति की, कि ये जो फ्रांसीसी क्रांति है ये बच्चों 1789 ईस्वी में हुआ था,
और कहां पे हुआ था, तो सभी को मालूम होना चाहिए कि ये हुआ था फ्रांस में। अब ये फ्रांस में हुआ था तो हुआ कब था भाई, मैं आपको ये भी बता दूं कि 1789 में हुआ था। याद रखिएगा 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति हुई थी भाई। उस टाइम पे फ्रांस के अंदर एक बुर्बो राजवंश का राजा हुआ करता था जिसका नाम था लुई 16वां, और उन्हीं के समय काल से ये फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है, और लगातार ये फ्रांस की क्रांति चलती रहती है, जिससे लोगों को ये सीख मिलता है कि अगर फ्रांस अपने आप को राष्ट्र राज्य घोषित कर सकता है, स्वतंत्रता प्राप्त कर सकती है फ्रांस, तो क्या बाकी देश भी कर सकते हैं। तो ये फ्रांसीसी क्रांति के ही विचार से राष्ट्र का विचार फैला। फ्रांसीसी क्रांति जब हुई उसी समय से तो राष्ट्र का विचार फैलना शुरू हुआ, और फिर धीरे धीरे ये राष्ट्र का विचार यूरोप में फैलता चला गया, और यूरोप में फैलने के बाद ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल चुका था। तो करते हैं बाकी हम लोग नेक्स्ट डे, मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए थैंक यू।